आज कक्षा सातवीं के मॉनिटर शिव प्रसाद पट्टा है ना, उसका बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लाए हुए हैं और एक कुछ बच्चों ने गुलदस्ता बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो भाई के काटा हुआ है ना, इससे हम लोग मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे? प्रतिशत। इधर दिखा दो भाई, इधर प्रतिशत, ठीक है ना जी। जैसे देखो ये शिव प्रसाद ने अभी ये जो केक काटा है ना जी, कितने पार्ट बना दिया इसका? चार। चार बराबर पार्ट बना दिया जी, ठीक है ना जी। अब देखो इसका एक पार्ट हम लोग निकालते हैं, अभी कितना टोटल पार्ट कितना है इसके केक का? चार पार्ट है ना जी। तो इसका देखो भाई एक पार्ट हम लोग बराबर पार्ट, चार बराबर पार्ट कर दिए ना जी। तो भाई चार लाओ इधर, ये देखो, अभी देखो ये केक है, केक है ना जी। केक का देखो हम लोग चार बराबर पार्ट किया जी, ठीक है ना। इसको हम देखो भिन्न में कैसे बनाएंगे, कितने पार्ट है? एक दो तीन चार, कितना हो गया? चार। और एक पार्ट अगर संदीप को मिल रहा है ये वाला पार्ट, तो ये देखो ये एक पार्ट मिला ना है, तो इसको लिख देंगे एक बटे चार। तो देखो एक बटे चार का मतलब प्रतिशत को कैसे बदलेंगे, इसको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करो, प्रतिशत में इसको प्रतिशत बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे गुणा कर दो? सौ से गुणा कर दिया जी। अब इसके बाद होता है इसके नीचे कुछ नहीं रहता, तो हमेशा क्या रहता है? एक। अब देखो चार के पहाड़े से इसको काट दो, तो चार दूने आठ, दो के बचा तो बीस हो गया, तो चल बच्चे बीस। इसका मतलब कितना प्रतिशत भाग संदीप को मिला है? पच्चीस प्रतिशत है ना। तो प्रतिशत देखो ये भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे ये पता चल गया जी। ये केक से, ठीक है ना जी। अब मान लो देखो ये केक को अगर मैं ऐसा आधा कर दूं, पूरा ऐसे ऐसे आधा कर दूं ऐसे, तो बताओ पूरा पूरा आधा भाग मिला होगा किसी को जी, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये भाग है, इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो अब क्या ये फ्रैक्शन अलग होगा क्या? भिन्न कैसा होगा इसका बताओ, भिन्न कैसा होगा? हाँ, कितना पार्ट है इसे बताओ? दो। सिर्फ दो बचे हैं ना जी। तो ये दो लिख देंगे, और एक पार्ट हमने पूरा खाना है इसका, तो एक बटे दो मतलब आधा पार्ट ही खाना है जी। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला खाना है कि नहीं जी, ठीक है। तो ये प्रतिशत में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे? सौ से। और इसको दो से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा? पचास। मतलब कि ये वाला भाग जो है कितने प्रतिशत है? पचास प्रतिशत है, ठीक है ना जी। अब मान लो ऐसे दिखाओ, ऐसे देखो ये वाला केक में ये कोई भाग है जो इसको चार भाग है ना जी, इसका जो है तीन भाग जो है किसी को दे दिए हमने, ठीक है ना जी। जैसे ये वाला भाग इतना, और इसको बस इसको अलग कर दो, ठीक है। कितना भाग? एक दो और तीन। तो भाई ये देखो इसको लिखने के लिए फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार है ना, चार। कलर पार्ट कितना है इसका? तीन है। अब बताओ इसको अगर इसको भिन्न में बनाएंगे तो इसमें कितना गुणा करेंगे? सौ, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें देखो इस चार से भाग जाएगा तो कितने बार में जाएगा? पच्चीस बार में जाएगा। अभी किए थे इसमें, अभी ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? पच्चीस दिया हो गया पचहत्तर। तो मतलब ये भाग कितना कितना प्रेजेंट कर रहा है? पचहत्तर कर रहा है ना जी, ठीक है ना जी। अब किसी को पूरा पूरा केक ही मिल जाए तो कितना बनेगा? चार। अरे भाई ये जैसे पूरा पूरा केक ही मिल रहा है तो ये तो एक ही केक है, सिर्फ एक ही केक है ना जी। तो इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, चार बटे चार बराबर एक, चार एक चार जी। एक केक है ना जी। और एक ही को बोलते हैं हम लोग 100% जी, ठीक है ना जी। तो देखो एक है मतलब ये पूरा पूरा 100% है जी, ठीक है ना। अगर इसका एक बटे चार भाग मिल जाता है किसी को तो कितना परसेंट हो जाएगा वो? आधा भाग मिल जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? पचास। और तीन बटे चार भाग मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? पचास, ठीक है ना जी। तो देखो ये बर्थडे वाला प्रोग्राम मजा आया ना जी। तो देखो ये प्रोग्राम हो भी गया और प्रतिशत भी समझ गए जी। अब किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। हाँ तो अच्छा इसमें बताओ अगर इसी केक को मैं इसका बराबर पार्ट और बढ़ा देता हूँ, देखो जी एक लाइन ये हो गया जी और एक लाइन ये। अब देखो टोटल पार्ट कितना हो गया, गिनोगे इसको?
कितने पार्ट हो गए? देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ पार्ट हो गया ना जी। अब सोचो अगर मैं ये आठ पार्ट का ये वाला पार्ट मैं किसी को दे रहा हूँ, एक पार्ट सिर्फ एक, इतना पार्ट किसी को खिला रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये बताओ इसको क्या कहेंगे हम लोग, कितना पार्ट बोलेंगे? भिन्न में बताओ, भिन्न में एक बटे आठ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बटे आठ। क्यों 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 बताओ? क्योंकि इसका देखो इसको कितना पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें देखो अब कितना पार्ट कर लिया हमने, आठ कर लिया था ना ऐसे करके, तो मैं सिर्फ एक पार्ट को खिला रहा था अभी, तो टोटल पार्ट कितना है नीचे आठ, और कितना पार्ट को खिला रहा था सिर्फ एक को। अब अगर इसको प्रतिशत में बोले तो बता दोगे, क्या करना पड़ेगा इसमें? सौ का गुणा कर देंगे है ना, फिर इसको हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है ना, इसको दो से भाग दे दो, इसको दो से भाग दे दो, पचास बचा, ठीक है ना। अब इसको और भाग जाएगा क्या? नहीं, तो इसके लिए आपने क्या करोगे, इसको भाग दे के देख लो ऐसे, दो से और कट कर दो, पच्चीस है ना, तो ये भाई कितना जाएगा, पच्चीस और ये दो मतलब कि तो एक दो है ना, ये कट फाइव, ठीक है, दो दूनी चार एक, और ये हो जाएगा मतलब कि 12.5% आएगा इसका, ठीक है ना, 12.5% इस भाग को होगा ऐसे। देखो अगर दो को कर दे तो 2/8 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रतिशत समझ में आया कि नहीं? किसको किसको आ गया? सबको आ गया जी। ठीक, ऐसे ही करना है बस, प्रतिशत यही है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, ऐसे कर नंबर कुछ दिए होंगे तो तुम लोग बना लेना, हमेशा याद रखना अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, जैसे एक जैसे यहाँ दिखा है 3/8, इसका मतलब कोई भी नंबर जो है टोटल नंबर जो है उसका 8 है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट जो है वो कलर पार्ट होगा या फिर जो हम लोग यूज किए वो वाला पार्ट होगा, ठीक है ना जी। तो समझ में आ गया ना सबको जी। चलो ठीक है, तो एक बार फिर से इसका हैप्पी बर्थडे हो गया ना जी। ये वाला बर्थडे हो गया, इसको खुद काट के आप कई सारे डिवाइड कर सकते हो, चाहे 8 का कर सकते हो, चाहे 10 का कर सकते हो, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई जी। ठीक है जी, ठीक, चलो।